अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में चिकन बिरयानी की रेसिपी तैयार कर रही हूँ। बहुत इजी और सिंपल ये रेसिपी है। उसके लिए जो हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। आधा किलो यहाँ पे मैं चिकन ले रही हूँ, आधा किलो चावल, एक कप कुकिंग ऑयल, दो बड़े साइज़ के टमाटर, 6 से 7 अदद हरी मिर्च, 6 से 7 जवे लहसुन के, आधा अदरक, 6 मीडियम साइज़ की प्याज, तकरीबन ये 1 पाव प्याज है। इसके अलावा जो हमें स्पाइसेस चाहिए, फुल टीस्पून नमक चावलों को बॉईल करने के लिए, और उसके अलावा इसमें खुला पानी यूज़ होगा। चिकन तैयार करने के लिए जो स्पाइसेस चाहिए हमें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, फुल टीस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर और येलो फूड कलर। सबसे पहले नॉनस्टिक पैन में मैं ऑयल ऐड करूंगी चिकन का तैयार करने के लिए। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई होती है हम मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। जब तक प्याज हमारी फ्राई होती है हम मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले हम ग्राइंड करेंगे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और एक प्याली हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि इजीली ग्राइंड हो सके। मिक्सचर मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब मैं चावलों को भीगने के लिए रख दूँगी अच्छी तरह धोके। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसके अंदर अब मैं मिक्सचर ऐड कर दूँगी जो मैंने ग्राइंड किया था। ये सारा मिक्सचर मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया अच्छे से ये। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। खुला पानी यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे चावलों को उबालने के लिए पतीले में। मीडियम फ्लेम मैंने इस नीचे ऑन कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी और नमक ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने मसाला भूनने के लिए रखा हुआ था। देखिए मसाला तकरीबन भून चुका है, जिसके अंदर हमने पानी ऐड किया था वो खुश्क हो गया। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया मैंने। अब हल्की आंच पे मैं इसे भून लूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रख दिए थे आधे घंटे के लिए। ये सारे चावल ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के लिए इसे मैंने अच्छे से भून लिया था, हल्की आंच पे लगातार इसे मैंने 15 मिनट के लिए भून लिया है। चिकन हमारा रेडी है, इसके नीचे अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। चावल भी हमारे तैयार हैं दम पे लगाने के लिए। इसे पहले हम छन्ने में छान लेंगे अच्छी तरह इसका पानी। चावलों को मैंने अच्छे से छान लिया है, अब ये दम लगाने के लिए तैयार है। चिकन भी हमारा रेडी है और चावल भी। अब मैं एक बड़े साइज़ का मैंने पतीला लिया है, सबसे पहले मैं इसमें चिकन के लिए ऐड लगाऊंगी।
चावलों में हमने ऑयल यूज़ नहीं किया था बिल्कुल भी। चिकन की लेयर लगाने के बाद अब हम इसमें चावलों की लेयर लगा देंगे ऊपर। अब इस लेयर के ऊपर हम दोबारा चिकन की लेयर लगा देंगे। बहुत इजी मैंने आपको ये तरीका बताया है बिरयानी बनाने का, आप इसे इस तरह ट्राई करें। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और आपको इजी भी लगेगी बनाने में। अब इसके बाद हम फिर चिकन चावलों की लेयर लगा देंगे। पतीले के नीचे मैंने तवा भी रखा हुआ है और इसके नीचे फ्लेम भी लो है। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब हम इस पर फूड कलर यूज़ कर देंगे, कहीं कहीं ड्राई था इसको मैंने लिक्विड बनाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया था और अब हम इसे कवर करके रख देंगे। पूरा आधा घंटा इसे मैंने दम पे रख दिया था लो फ्लेम पे, फ्लेम इसके नीचे बंद कर दिया मैंने। अब हम इसे मिक्सअप कर लेते हैं। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है, बिरयानी हमारी तैयार है। मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी बनके तैयार है। वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं लेकिन मैंने आपको आज सिंपल सा इसका तरीका बताया। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।